अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा महमूद है और मेरा पिछले 8 साल से IT शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैंने अभी यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में आई प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट, जिसको हम उसे हमें सफ़ेद मोतिया कहते हैं। अच्छा, सफ़ेद मोतिया जो है उसकी बहुत सी कॉजेज हैं, लेकिन 80-90% पेशेंट्स जो हमारे पास डेली OPD के अंदर आ रहे हैं सफ़ेद मोती की कंप्लेन के साथ, उनकी जो सफ़ेद मोती का जो वजह है वो है इंक्रीज एज, यानी कि बढ़ती हुई उम्र। अब बात कर लेते हैं कि सफ़ेद मोतिया है क्या। बेसिकली सफ़ेद मोतिया आपकी आँख का जो नॉर्मल लेंस है या आपकी आँख का अच्छा है उसके धुंधला जाने को सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। एज के साथ साथ जैसे आप एजिंग स्टार्ट हो जाती है, आप तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के अंदर भी फोल्ड आनी शुरू हो जाती है, फेस पे रिंकल्स। बिल्कुल इसी तरह ही आंख की जो एजिंग का प्रोसेस है वो आपके लेंस को मुतासर करता है, उसमें सफेदी आती है। ठीक है जी। और जो इसकी जो टाइप्स हैं, जो किस्में हैं सफेद मोती की, सबसे ज्यादा 70-90% एज से रिलेटेड है। उसके अलावा आंख में देर तक सोजिश रहने से रिलेटेड है, शुगर के मर्ज की वजह से हो सकता है, या बच्चों में पैदाइशी तौर पर एक आंख में या दूसरी आंख में या बाज दफा दोनों आंखों में बच्चों में पैदाइशी तौर पर भी मोतिया होता है। ये मोतिया की वो किस्में हैं जो हम OPD में मोस्टली फेस करते हैं। ठीक है जी। मोतिया की के लिए क्या किया जाए, एक मिसकंसेप्शन है जो मैं वीडियो के बिल्कुल ही सेंटर में बताना चाहूंगी। हमारे पास 1000 पेशेंट आते हैं, एजुकेटेड भी आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई कतरा दे दें जिससे मोतिया टूट जाए। ऐसा कोई कतरा, ऐसा ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके मोतिये को तोड़ सके। अगर आपसे कोई ये प्रॉमिस करता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मोतिये का सिर्फ एक ही हल है, वो है सर्जरी। अगर मोतिये की सर्जरी ना हो तो आप कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो फिर आपको ये रेकमेंड ना करे। अगर आपको कोई कहता है कि मोतिया दवाई से टूट जाएगा तो दिस इज टोटली रॉन्ग। अब मोतिये की सर्जरी की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि मोतिये की सर्जरी किस तरह की जाए। मोतिये की जो लेजर सर्जरी है वो जदीद सर्जरी है जो आजकल की जा रही है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में फेकोएमल्सिफिकेशन एंड इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसमें हम ये करते हैं जी कि हम एक छोटा लेजर के जरिए सुराख बना के आपकी आंख के अंदर का जो सफेद मोती है उसको साफ कर देते हैं, और जो आर्टिफिशियल लेंस है वो आप सफेद मोती को रिप्लेस कर लेते हैं, आपकी आंख के अंदर चला जाता है जिससे आपको नजर आता है। यानी जो आपका धुंधलाया हुआ जो अपना अपना कुदरती लेंस है आंख का वो निकल गया और उसकी जगह पे लेजर के जरिए से आपकी आंख में एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया गया। आपकी जो जदीद टेक्निक है उसमें ये लेजर प्रोसीजर किया जाता है, इसमें कोई टांका नहीं लगता, और इसके लिए आंख को सुन करने के लिए भी सिर्फ कतरे डाले जाते हैं। कोई इंजेक्शन जैसे पहले प्रैक्टिस थी लगाए जाते थे, अब नहीं किए जा रहे। और अगर मोतिया कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पक जाए, स्टोन की तरह का पका हुआ शदीद मोतिया हो, तो ही हमारी कोशिश होती है कि उसको हम टांकों वाली सर्जरी की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज हम अपनी आखिर तक यही कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को लेजर की ही सर्जरी प्रोवाइड की जाए। लेजर सर्जरी के भी बहुत फायदे हैं टांकों वाली सर्जरी के ऊपर। इसमें पेशेंट की रिहेबिलिटेशन जल्दी हो जाती है, विजन ज्यादा अच्छी रिस्टोर हो जाती है, इन्फेक्शन लाली आना पानी आना आंख के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है टांकों वाली सर्जरी के नुकसान, तो पेशेंट जल्दी अपने रोजमर्रा के अमूर जो है उनको करना शुरू कर देगा। अब जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसमें जी लेंजेस की टाइप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पेशेंट की अपनी चॉइस है। कुछ पेशेंट ऐसे लेंस चाहते हैं कि सिर्फ दूर का देखें उससे और नजदीक के लिए सिर्फ ऐनक लगाएं। कुछ पेशेंट ऐसे लेंस चाहते हैं कि जिससे वो दूर और नजदीक दोनों ऐनक के बगैर देखें, उन लेंजेस को मल्टी फोकल लेंजेस कहा जाता है। ये पेशेंट की अपनी चॉइस है, अपनी उसका ऑक्यूपेशन के लिहाज से हम उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, और इन दी एंड पेशेंट की अपनी चॉइस भी है। तो आप इस मौजू से रिलेटेड, कैटरेक्ट के मौजू से रिलेटेड अगर किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।